तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। यूट्यूबर अगर आप हो तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूट्यूब पर ऐसी 5 अपडेट आ चुकी हैं और वो 5 अपडेट यार गजब हैं और आज तक आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि यूट्यूब आपके लिए इतने इतने अच्छे काम करता है। लेकिन ये जो 5 अपडेट करें वो इससे भी धुआंधार वाली हैं। तो आज के इस टॉपिक को जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं भाई, टेक्निकल चीज़ें देखना चाहते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, ताकि ऐसे ही आप सारी वीडियोज़ को देख पाएँ। तो आ जाते हैं वीडियोज़ पर भाई। देखो यहाँ पर बहुत से लोगों की जो सबसे पहले अपडेट्स हैं, मैं सबसे पहले 5 अपडेट्स के पहले बता दूंगा, उसके बाद कुछ और बात करूंगा। अब 5 अपडेट में से सबसे पहला अपडेट है कि भाई YouTube आपके लिए बहुत सारी जब भी कोई चीज़ें अपडेट करता है, बहुत सी टेक्निकल चीज़ें के लिए अपडेट करता है, या फिर बहुत सी ऐसी वीडियो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड हो गई, अर्निंग से रिलेटेड हो गई, या फिर आपके चैनल से कोई रिलेटेड हो गई, या फिर कोई आपकी कैटेगरीज से रिलेटेड हो गई, कुछ भी रिलेटेड होती है, तो उस पर जब आपके पास कोई मेल आता है तो आप समझ नहीं पाते उसको। कई बार आप उसको इग्नोर कर देते हो, 110% तो नहीं लेकिन 90% आप उसको इग्नोर ही कर देते हो, क्योंकि समझना आपको पता नहीं है। लेकिन फिर भी छोटा हो या बड़ा हो, यूट्यूबर्स अपने आप को कहता है यार मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता लगती तो मैं करूं क्या। तो भाई उसके लिए सबसे पहला अपडेट यूट्यूब ने कर दिया है। अब आप जब भी चैनल का डैशबोर्ड अपना खोलेंगे तो जो भी नई वीडियोस होगी, जो भी आपका नया टॉपिक होगा, उसको तो आप करेंगे ही एडिट वहां जाके, लेकिन डैशबोर्ड पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से जो होगी वो आपको ऊपर ही हेड मिल जाएगी। तो पहला तो अपडेट हो गया ये, और बड़ा अच्छा अपडेट है भाई। इसका मतलब मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं 4 दिन से यूज़ कर रहा था तो जो भी अपडेट्स थी वो मुझे ऊपर मिल जाती थी, तो अब ऊपर मिलती थी तो बड़ा दिमाग भी ऐसा हो कि यार सारी चीज़ अगर यहाँ आ रही है तो इसका मतलब कुछ नया हुआ है। तो नया हुआ है तो यही सारी अपडेट्स हैं जो नई हुई है। अब आते हैं दूसरी अपडेट पे। तो भाई देखो दूसरा अपडेट जो है वो है कमेंट्स रिलेटेड। अब बहुत से लोग जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपको कमेंट करते हैं। अब कमेंट आपको करते हैं कि सर मैं आपका रेगुलर वीडियोस देखता हूँ और मैं आपका रेगुलर वीडियोस का मैं एज अ आपका फ्रेंड हूँ, सर ये समझ लीजिए। तो ऐसा है भाई, यूट्यूब इस चीज़ को थोड़ा सा सख्ती ले लिए है। अब सख्ती इसमें अच्छाई में ली है, अच्छाई इन द सेंस जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो जब आपका कोई कमेंट आता है तो उसमें लिखा हुआ आता है ना योर फ्रेंड, ये आपका फ्रेंड है इस तरह से। तो अभी यूट्यूब क्या कर रहा है, ऐसे लोगों को जो आपका रेगुलर व्यूअर्स है उसको एक बैच देने वाला है। अब बैच क्या है, बैच होगा कि वो रेगुलर आपकी वीडियोस देखता है। अब वीडियोस देखता है तो आपके कमेंट करता है। अब उस कमेंट को जब आप कर रहा है तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि ये हमारा रेगुलर वीडियोस देखने वाला है, तो आप उससे अपनी रिश्तेदारी बना सकते हो। अब भैया रिश्तेदारी का मतलब ये नहीं कि आप उसको चचा ताऊ का लड़का बना दो, भैया फूफा चाचा ऐसा बना लो, रोज़ राम राम नमस्ते अल्लाह सलाम हो, ऐसा भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपकी वीडियोज़ पर फ़र्क पड़ने लगेगा। अब आ जाते हैं तीसरे अपडेट पर। ये जो तीसरा अपडेट है ये दूसरे अपडेट से रिलेटेड है, लेकिन मज़ेदार ये भी है। अब तीसरा अपडेट क्या है, आप जब भी कोई कमेंट आपका आता है, जैसे वो रेगुलर वाला कमेंट है, या उसके अलावा कई ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें आपको लोग धन्यवाद भी कहना चाहते हैं, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो जब ऐसा होता है तो आप जैसे जीमेल पर आप देखते हैं, जीमेल पर आपको एक स्मार्ट वो मिल जाता है, स्मार्ट का आपका एक कम्युनिटी मिल जाती है, जिसमें कि आप जैसे ही कोई मेल लिखते हो या किसी को रिप्लाई करने की कोशिश करते हो तो उसमें स्मार्टली एक ऑप्शन होता है, थैंक्स फॉर दिस ईमेल है इस तरह से करके, तो थैंक्स फॉर ईमेल एंड विश यू ऑल द बेस्ट, इस तरह से जो स्मार्ट वो टाइटल बने होते हैं तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। अभी क्या है आपको कि यहां पर आप ठीक उसी तरह जैसे ईमेल पर हो रहा था, ठीक उसी तरह अपने कमेंट्स पर भी आ सकते हैं। अब जो आपको कमेंट कर रहा है, कमेंट करने के बाद जैसे ही आप उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपका उसी कमेंट के अनुसार एक ऑटोमेटिकली आपका एक ऑटो जनरेट हो जाएगा वहां पर आपका कमेंट रिप्लाई में। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि सर मैं आपकी वीडियोस देखता हूं, सर बहुत अच्छी लगी मेरे को ये वीडियोस, तो आप जैसे ही रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई करते ही उसमें कुछ ऐसा आ सकता है कि थैंक्स यू वॉचिंग माई वीडियो, इस तरह से कुछ ऐसा कमेंट आ सकता है, तो आप उसको फटाफट से उसको सेंड कर सकते हैं। तो आपने बिना जल्दी से टाइप करे आपका ये काम हो गया, यानी कि आलसपन आपका दूर करने के लिए ये अपडेट था। चौथा अपडेट की बात कर देते हैं, तो यहाँ पर कम्युनिटी टैब, जब आप कोई पोस्ट डालते थे कम्युनिटी टैब में तो आप उसमें लिंक डाल सकते थे, ठीक है, लिंक्स के साथ आप उसमें कोई फोटो अटैच कर सकते, कमेंट में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी वो कम्युनिटी टैब जो है वो कम्युनिटी टैब आप अपना शेड्यूल दे सकते हैं उसमें। अब शेड्यूल भी बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि अगर आपने कुछ सोचा है कि मेरी वीडियोज़ रात को 8 बजे आएगी या फिर मेरी वीडियो 6 बजे आने वाली है, मैं 6 बजे का उसमें शेड्यूल लगा रहा हूँ वीडियोज़ में, तो जब 6 बजे का वीडियोज़ लगाओगे तो आप हो सकता है कि यार 6 बजे का अगर मैं शेड्यूल लगा रहा हूँ तो 4-5 बजे लोगों को इन्वाइट कर दूँ या फिर अवेयरनेस उनमें दे दूँ,
तो 4-5 बजे, लेकिन मॉर्निंग का टाइम है तो आप उसको 4 बजे का शेड्यूल लगा दो। उस टाइम में आप बिजी हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शेड्यूल के अनुसार जैसे वीडियो पब्लिश हो जाती है ऐसे ही वो आपकी कम्युनिटी टैब में जाके वो पब्लिश हो जाएगा। पांचवा जो है वो है आपका मर्चेंडाइज वाला। मर्चेंडाइज में जैसे आप एंड स्क्रीन लगाते हो, जैसे आप क्या नाम है कार्ड्स वगैरह लगाते हो, ऐसे ही आप अपनी वीडियोज़ में मर्चेंट भी लगा सकते हो। आप जिस कैटेगरीज का मर्चेंट लगाना चाहते हो वो मर्चेंट आप उसमें लगा सकते हो। तो ये पाँचों की पाँचों अपडेट थी जो मुझे आप तक पहुँचानी थी यूट्यूब की तरफ से जो आई है। बड़ी धुआंधार और ज़बरदस्त अपडेट थी ये, और इस अपडेट का मज़ा हर एक यूट्यूबर लेना चाहेगा चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो भाई वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।